दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल विज वॉश गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग SM फूड्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। और मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अब्दुल हफीज को 5 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। उन्होंने 169 वोट लिए जबकि हकूमती उम्मीदवार के हिस्से में 164 वोट आए। सेनेट इलेक्शन में 340 वोट डाले गए जिनमें से 7 मुस्तरद कर दिए गए। अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबले को ही अपोजिशन और हकूमत के दरमियान सबसे बड़ा अहम मुकाबला करार दिया जा रहा था। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हकूमत की जानिब से दोबारा वोटिंग कराई गई, ताहम दोबारा वोटिंग में भी यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए। कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार फौजिया अरशद ने 174 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार फरजाना कोसर ने 161 वोट लिए। इस इंतखाब में 5 वोट जाया हुए। सेनेट की 37 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों में हुई। कौमी असम्बली में रुकन असम्बली शफीक अराई ने पहला वोट डाला, जबकि इसके बाद फैसल वावडा ने वोट डाला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना वोट डाला, जिन्होंने असम्बली हॉल में आमद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली के साथ मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा से सैनेट की 12 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार, बलोचिस्तान से 26 उम्मीदवार और सूबाई सिंध से 17 उम्मीदवार मैदान में उतरे। दूसरी तरफ जाया या मुस्तरदशुदा वोटों में हुकूमत के वोटों की तादाद ज़्यादा है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने खुद तस्लीम किया कि इनका वोट ज़ाया हुआ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नया बैलेट पेपर हासिल करने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बैलेट पेपर पर दस्तखत करने की पादाश में वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी पर बरस पड़े और कहा कि आप MNA हैं, इस तरह की गलती कैसे कर डाली। सबको तरीक़ाकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट होता है, आपको नहीं पता किस तरह वोट कास्ट करते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए थी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि शहरियार आफरीदी वज़ीर आज़म को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और इनका कहना था कि कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वोट डालने पहुंचा तो पहले पोलिंग अमले से बात की, लेकिन पोलिंग अमले ने सही रहनुमाई नहीं की। दूसरी तरफ मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद से सैनेट इलेक्शन का नतीजा चैलेंज करेगी। अपने ट्वीट में इनका कहना है कि गैर हतमी तौर पर 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, 5 वोट का फ़र्क है। इधर गैर सरकारी नतज के मुताबिक बलोचिस्तान की 7 जनरल नशस्तों में से 5 पर हुकूमत इतहाद कामयाब हुआ, जबकि अपोजिशन ने सैनेट की 2 जनरल नशस्तें हासिल की हैं। सैनेट इंतखाबात में सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार पलवशा खान कामयाब हो गई। सिंध असम्बली से सैनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात में सिंध असम्बली के 168 में से 167 अराकीन ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने पार्टी पॉलिसी के तहत वोट कास्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक 167 में से 4 वोट मुस्तरद करार पाए। अब तक के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पलवशा खान ने सिंध असम्बली से 60 वोट हासिल किए, जबकि मुतहिदा कौमी मूवमेंट की खालदा तैयब भी 57 वोट लेकर कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान, जाम मेहताब, फारूक एच नाइक और सलीम मांडवी वाला भी कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक जनरल नशिस्त पर MQM के फैसल सबजवारी ने मुकाबला जीत लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की फतह पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, वोट चोर, अवाम के मुजरिम इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने PDM को फतह दी। इमरान खान के पास अब वजीर आजम हाउस पर काबिज रहने का कोई जवाब नहीं।
उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ रजा गिलानी को दिली मुबारकबाद देती हूँ। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आज कौमी असम्बली और सिंध बलोचिस्तान केपीके की सूबाई असम्बलियों में खूब गहमा गहमी रही। असम्बली मेंबरान वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चुटकले सुनाते रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत तो जा चुकी है, जो इनको नहीं जाने देना चाहते वही संभाल कर बैठे हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सेनेट इलेक्शन में भी इनका हाथ है, जिस पर आसिफ जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इनका हाथ किस मामले में नहीं रहा। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो बिकने वाले होते हैं वो खुफिया बैल्टिंग में भी बिक जाते हैं। कुछ देर की बात है, इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख ही जीतेंगे। अपोजिशन पहले कहती थी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर उन्होंने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और अब सैनेट इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले कि आज हर मेंबर ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला है। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो शफाफियत को यकीनी बनाए। इस दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि कितने पुर उम्मीद हैं कि सैनेट में कामयाबी होगी, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला जानता है, ना मैं नजूमी हूँ ना मैं वली हूँ, ताहम हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी भूरी दुनिया के सामने है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे उम्मीदवार को नाअहल करवाने की कोशिश की गई। पीडीएम अवाम के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं। इनके अपने अरकान इतने ही नाराज हैं जितने अवाम इनसे खफा हैं। जिन्हें आंख बंद करके इलेक्शन जीतना चाहिए था वो परेशान हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने असम्बली से बाहर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के हवाले से 110% पर उम्मीद हूँ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि आज सच की जीत होगी, झूठ की सियासत करने वालों को हजीमत उठाना पड़ेगी। पंजाब असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज की रिहाई के बाद मरियम नवाज पार्टी की सतह पर पसे पर्दा चली गई। हमजा शहबाज को पार्टी जिम्मेदारियां देने के हवाले से कल इस्लामाबाद में होने वाला मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास अहमियत अख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज को अवामी सतह पर पार्टी का चेहरा बनाने, जबकि हमजा शहबाज को पार्टी अमूर चलाने की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं ताकि बाहमी इख्तलाफात से बचा जा सके। ज़राए के मुताबिक इस फैसले के बाद हमजा शहबाज बाकायदा तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर हमजा शहबाज सियासी सरगर्मियां सर अंजाम देंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि हमजा शहबाज बिलावल भुट्टो की जानिब से पीडीएम क़यादत को दिए गए इशाइये में इसी वजह से शरीक हुए। वफाकी वजीर फैसल बाबडा कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल बाबडा की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। फैसल बाबडा के वकील ने अदालत आलिया के सामने बयान दिया कि इनके मुवक्किल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। इस मौका पर फैसल बाबडा के वकील ने इस्तीफे की कापी भी अदालत के रूबरू पेश की। दरख्वास्त गुजार के वकील जहांगीर जदून ने अदालत के रूबरू मौकफ इख्तियार किया है कि जब तक स्पीकर इस्तीफा मंजूर ना करे तब तक मुतल्लिका शख्स रुकने कौमी असम्बली ही होता है। फैसल बाबडा ने सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट किया है, पता नहीं इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। सवाल ये नहीं कि वो अब रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे, बल्कि अहम बात फैसल बाबडा का झूठा बयान हल्फी जमा कराने के नताइज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फैसल बाबडा ने दोहरी शहरियत ना रखने का झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से वाजे है कि फैसल बाबडा कागजात नामजदगी की मंजूरी तक अमरीकी शहरी थे। बादजां जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज करते हुए मजीद समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में कोरोना केसेस ने पीसीबी को मजीद सख्त इकदाम पर मजबूर कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी का कहना है कि इवेंट की साख को बचाना पीसीबी की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि नए एसओपीज नाफिज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ पर ग्लव्स पहनना लाजमी कर दिया है। ब्रॉडकास्टिंग अमले में शामिल 100 से ज्यादा अफराद के टेस्ट भी करवा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्राउड में जाने वाली गेंद मैदान में दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी, तहम अगर कोई बॉल मैदान में वापस आई तो सैनिटाइज की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि इस वक्त मुश्किल तरीन हालात हैं, पूरी दुनिया इन मसाइल का सामना कर रही है। भारत में ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज अगले मरहले में दाखिल हो गया।
मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। किसानों ने 15 रोजा प्लान का भी ऐलान कर दिया। मुतहिदा किसान मोर्चा ने संघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्लान के मुताबिक तमाम शाहराहों को ब्लॉक किया जाएगा। 4 रियासतों के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मुहिम भी चलाई जाएगी। तहरीक के लीडर मुतअद्दिद रियासतों का दौरा भी करेंगे। किसान रहनुमा बलबीर सिंह ने कहा कि हुकूमती सियासी लीडर काश्तकारों के गुनाहगार हैं, इन्हें सबक सिखाएंगे। दूसरी जानिब मोदी सरकार के ओछे हथकंडे भी जारी हैं, जिसके बाद काश्तकारों को पानी की सप्लाई मरहलावार बंद करने का सिलसिला जारी है। शहर औलिया में कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए दरीजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज ने मुल्तान में 10 कैंपस कायम कर दिए। दूसरे मरहले में दरीजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज के तहत मुल्क भर और बैरून ममालिक तक भी दायरा कार वसी किया जा रहा है। दरीजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज के रूह रवान नामवर माहिर तालीम प्रोफेसर शफीक आतिफ दरीजा ने बदलता जमाना और मक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा की अच्छी तालीम तरबियत पहले दिन से ही दरीजा अकेडमी का तुर्रा इम्तियाज है और हम अपने प्रोजेक्ट को वसअत दे रहे हैं, तो अब भी मयारी तालीम तरबियत हमारी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए तालीमी कैलेंडर्स पर नजरसानी करेंगे और इसके साथ हम निसाबी सरगर्मियों पर खसूसी तवज्जा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम कैंपस के तलबा के माबैन मुस्बत मुकाबले का रुझान पैदा किया जाएगा ताकि तलबा और तालिबात का रुझान तालीम के साथ मुस्बत सरगर्मियों की तरफ भी हो सके। सोनी रिक्सन समेत बैनुल अक्वामी मोबाइल कंपनियों में मुख्तलिफ आला ओहदों पर फ़राइज अंजाम देने वाले 5G टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट इंजीनियर अदील यासीन का कहना था कि इन्हें FSC के दौरान प्रोफेसर शफीक आतिफ दरीजा से फैजयाब होने का मौका मिला। इनके साथ गुजारा हुआ वक्त यादगार है। प्रोफेसर शफीक आतिफ दरीजा शोबा रियाजी में महारत रखते हैं और हमेशा तुलबा के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, जो इनकी खूबी है। सन 2000 से 2002 के दरमियान मैंने अपनी FSC की एजुकेशन गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज से हासिल की और इस दौरान मुझे हमारे इंतहाई मुशफ़िक और काबिल एहतराम उस्ताद जनाब शफीक आतिफ दरीजा साहब से फैजयाब होने का मौका मिला। कुछ बातें अभी भी ज़हन नशीन है, जैसा कि मैथ के असूलों को इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से बयान करना और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को मुख्तलिफ तरीकों से हल करके स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा कर देना, ये मेरे मुशफ़िक उस्ताद की खूबियों में शामिल है। मेरे उस्ताद के साथ आज 20 साल गुजर जाने के बावजूद एक कॉन्टैक्ट, एक रिलेशन कायम है और ये मेरे लिए एक बायस फ़ख्र है कि हमारा ये ताल्लुक आज भी उसी तरह कायम है जैसे 2001-2002 में था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दरीजा अकेडमीज का प्रोजेक्ट मुल्तान में लॉन्च हो रहा है और ये प्रोजेक्ट मेरे उस्ताद की लीडरशिप और विजनरी होने का सबूत है। मैं अपने दिल की गहराइयों से दुआगो हूँ कि मेरे उस्ताद का ये प्रोजेक्ट कामयाबियों से हमकनार हो और ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र का बायस बने। मैं ये भी दुआगो हूँ कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान के कोने कोने में इल्म का चिराग रोशन हो। जलालपुर पीरवाला के इल्ताफ अहमद ने कहा कि उन्होंने दरीजा अकेडमी से FSC तालीम हासिल की और अब तक वो इंटरनेशनल कंपनी IBM, एयरबस, एमिरेट्स एयरलाइन समेत मुख्तलिफ आलमी कंपनियों में काम कर चुके हैं। प्रोफेसर शफीक आतिफ दरीजा शानदार टीचर हैं, हर बच्चे की तरफ खसूसी तवज्जो देते हैं। आई नो मिस्टर आतिफ दरीजा सिंस 1999 ड्यूरिंग माई FSC डेज। ही वाज माई बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर। आई स्पेंट एन अमेजिंग टाइम विद हिम एज अ फ्रेंड एंड स्टूडेंट। It's an
amazing achievement of Mr. Atul Threja and show his capabilities, leadership and team player capabilities in the shape of Threja Group of Academies in Pakistan. It's really an amazing opportunities and amazing contribution in the education of in the field of education in Pakistan. Wish you all the best and good luck. लंदन की यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सरबराह एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सज्जाद ने कहा कि इन्होंने ये मकाम अपने उस्ताद प्रोफेसर शफकत धरेजा की बदौलत हासिल किया है, जिन्होंने इनमें इल्मी तड़प पैदा की और इनकी मेहनत से वो आज इस मकाम पर हैं। I met Mr. Dhareja back in 2001 when I suddenly decided to do additional math and joined his academy. I remember that there was only 3 months left before the exam and I was not sure whether I will be able to complete or pass this course. But because of the Dhareja's hard work, dedication and friendly relationship, I not only passed the exam, but I also got a very good marks. And I believe that was the step changer in my life. ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और चीन की बेजिंग यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर मोहम्मद आजम ने कहा कि वो जिस मकाम पर है इसमें इनके उस्ताद प्रोफेसर शफीक आतिफ धरेजा का बड़ा हाथ है। वो इंतहाई शफीक मेहनती उस्ताद हैं, जिस काम का बेड़ा उठा रहे हैं उसे पाए तकमील तक पहुँचा कर ही दम लेते हैं। इस धरेजा अकेडमी की वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान क्या पूरी वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि अपने पाकिस्तान के लिए एक अजीम सरमाया है। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि ये ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ जो हैं हमारे पंजाब के लिए जो है और पर्टिकुलरली साउथ पंजाब और मुल्तान के लिए जो है इल्म की राह में एक बहुत ही अहम पॉइंट होगा। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले असद कलीमी ने कहा कि वो आजकल सिंगापुर में हैं और वो एशिया पैसिफिक ग्रुप में बतौर सरबरा फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरेजा अकेडमी शानदार रिवायात का हामिल इदारा है। उन्होंने कहा कि शफीक आतिफ धरेजा ना सिर्फ तलबा के उस्ताद बल्कि इनके दोस्त बनकर रहते हैं, वो हमारा अहम असासा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने मुल्तान बोर्ड में FSC के इम्तहान में अव्वल पोजीशन हासिल की, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर शफीक आतिफ धरेजा को जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि धरेजा अकेडमी के बाद अब धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज के तहत कैंपसेस भी इसी तरह शानदार रिवायत को कायम रखते हुए तलबा की इल्मी प्यास बुझाएंगे। उन्होंने धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज के तहत बनने वाले इदारों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए प्रोफेसर शफीक आतिफ धरेजा को मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर शफीक आतिफ धरेजा साहब को धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज के इफ्तिताह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आई हैव नोन प्रोफेसर धरेजा साहब फॉर मोर देन 20 ईयर्स। He has not only been one of the most influential teachers in my life, but at the same time, he has been a great mentor and a lifelong friend. Meri zindagi ka one of the key events was when I managed to secure first position in Multan Board for my FSC examinations. And it goes without saying that Dhareja saab played a very crucial part in preparing me for that. Not only that, since then, his guidance and his values of hard work and perseverance have continued to guide me throughout the rest of my life. I wish you all the very best for your new venture with Dhareja Group of Academies, and I cannot wait to see it grow from Multan to the rest of Punjab and eventually all over Pakistan. Multan mein International Civil Defence Day ke mauka par Mehkama Civil Defence ke de rahe hain tamam मजबूत शहरी दिफा मजबूत मईशत की जमानत के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस वकास खाकवानी बहाउद्दीन दकरिया यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस सुहेब, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस मुल्तान रीजन राणा तारिक वहीद, सिविल डिफेंस ऑफिसर फातमा खान, सिविल डिफेंस के चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद, कारी आशिक हुसैन और अब्दुल कदीर भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने सेमिनार से खताब करते हुए कहा कि सिविल डिफेंस के रजाकार मेरे दिल के बहुत करीब हैं।
जिला इंतजामिया को हुकूमत की तरफ से मिलने वाले हर टास्क की कामयाबी में सिविल डिफेंस के रजाकारों का भी किरदार होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के आगाज में मुल्तान में दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कायम किया गया। सिविल डिफेंस के रजाकारों ने बिना खौफ व खतर क्वारंटाइन सेंटर आने वाले मेहमानों की खिदमत की। आमिर खटक ने मजीद कहा कि सिविल डिफेंस की कारकर्दगी में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। मुहर्रम, ईद, मिलादुल नबी के अयाम हो या कोई रैली, सिविल डिफेंस के रजाकार ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने क्वारंटाइन सेंटर में सिविल डिफेंस और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की खिदमात की तारीफ की है। क्वारंटाइन सेंटर में काम करने वाले रजाकारों और सेंट्री वर्कर्स के नाम कौमी अवार्ड के लिए हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। सेमिनार से खिताब करते हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर कारी आशिक हुसैन ने कहा कि लोगों की खिदमत हुकूक उल इबाद के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। सिविल डिफेंस के रजाकार अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान फिशानी से काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि माजी की तरह आगे भी अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जलालपुर पीरवाला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की विलायती शराब की भारी मकदार में स्मगलिंग नाकाम बना दी। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज सुमरो के मुताबिक पुलिस ने 1000 बोतल शराब बरामद करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान शराब लाहौर से सादिकाबाद मुंतकिल कर रहे थे कि नाके पर मौजूद पुलिस से बरवक कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद हजार DSP सर्कल जलालपुर पीरवाला मोहम्मद इरशाद जोया ने SHO थाना सिटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CPO मुल्तान महबूब रशीद और SP सदर नईम शाहिद के अहकाम के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लहजा में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर नौजवानों को सलाहियतों के इजहार के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम लहजा में मौसीकी के मुकाबले जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल, DD कॉलेजेस उमेर आसिम और DEO तवक्कल हुसैन ने भी शिरकत की। उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में गायकी की, जिस पर हाजरीन की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को खूब दाद भी दी गई। वजीर आला टैलेंट हंट प्रोग्राम के पोजीशन होल्डर्स को नकद इनाम भी दिए जाएंगे। लोधरा में इदारे अरकम स्कूल में सालाना नतायज के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। सदारत अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर ताहिर अहमद चौधरी ने की। मेहमान खसूसी DSP मोटरवे पुलिस सैयद रिजवान शाह और सैयद जिशान अख्तर भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली अहमद। दार अरकम स्कूल लोधरा में सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। सदारत डॉक्टर ताहिर अहमद चौधरी अमीर जमात इस्लामी लोधरा ने की। मेहमाना ने खसूसी सैयद जीशान अख्तर, रीजनल डायरेक्टर दार अरकम स्कूल पंजाब और DSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस BD20 सैयद रिजवान शाह थे। मेज़बान चौधरी मोहम्मद सफदर संघेड़ा थे। मेहमाना ने खसूसी ने पोजिशन लेने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर ताहिर अहमद चौधरी और DSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सैयद रिजवान शाह ने अपने खिताब में कहा कि सफरा तफरी के दौर में अपने बच्चों की बेहतरीन और इस्लामी तरबियत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दार अरकम की इंतज़ामिया इस हवाले से बेहतरीन खिदमात सरंजाम दे रही है। चीफ आर्गेनाइज़र दार अरकम स्कूल चौधरी मोहम्मद सलीम कम्बो और डायरेक्टर दार अरकम स्कूल चौधरी मोहम्मद सफदर संघेड़ा ने तमाम मेहमाना ने ग्रामी और वालदैन का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा के मेम्बरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इमरान अली आवान, नुमाइंदा मक्स न्यूज़, लोधरा। लहजा के इलाके फतेहपुर में अहाते की अलॉटमेंट के लिए 5000 रुपये रिश्वत लेने वाले मुलाजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए मुश्ताक नामी शख्स को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM Foods and Volca Foods International.